आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना लगा लीजिए या इंसिडेंट लगा लीजिए एक शेयर करने जा रही हूँ जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरे बच्चे के साथ हुआ है, और एक अवेयरनेस को लेके आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल के वक्त में हमें अपने बच्चों को लेके या अपनी फैमिली को लेके कितना सतर्क रहने की जरूरत है। उनके इलाज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में। मैं अब आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ। 2 दिन से बहुत ज्यादा अपसेट है माइंड, मतलब बहुत ज्यादा मूड अपसेट है, और ऑफकोर्स आप एज अ पेरेंट्स इस चीज को समझ सकते होंगे कि जब हमारे बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो माँ बाप कितना टेंशन में आ जाते हैं, कितना दुखी होते हैं अपने बच्चे को प्रॉब्लम में देखकर, खासतौर से जब बच्चा कुछ खा पी ना रहा हो और कुछ खा ना रहा हो, कुछ पी ना पाए, मतलब काफी चीजें हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैं अपने घर गई हुई थी। शाम के वक्त जब मैं वापिस आने लगी तो शाम के वक्त मेरे बेटे को यहां पर दांत के आसपास, मतलब यहां पर उसे प्रॉब्लम हो रही थी खाने पीने में, तो उसने शाम के वक्त बताया कि अचानक से उसको यहां पर पेन हो रहा है और थोड़ा खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं रात को आते आते लेट हो गए थे हम घर से, और शाम को 8 बजे हम जैसे ही घर पहुंचे हैं, मैं एक्चुअली उस वक्त निकलने ही वाली थी घर से, तो हमने सोचा चलो रास्ते में दिखा लेंगे, और रास्ते में बारिश हो चुकी थी, स्टार्ट तो बारिश शुरू हो चुकी थी, तो इस वजह से रास्ते में कहीं रुकने का हमें मौका नहीं मिला। मैं अदरवाइज वहीं मैं दिखा लेती किसी डॉक्टर को, मतलब वहीं पर चेकअप के लिए ले जाती, तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हम बाइक पर थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो जब हम अपने घर पहुंचे, जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि मैं गांव में रहती हूं, तो हम यहां जहां गांव में रहते हैं यहां पर एक डॉक्टर है। तो राज घर आने के बाद जैसे ही मतलब घर पहुंचे तो मुझे घर छोड़कर राज बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास गए थे। तो बेटी को मेरी नींद आ रही थी तो मैं इस वजह से राज के साथ नहीं जा पाई, तो उन्होंने बोला तुम रहना तो कोई बात नहीं, मैं लेके चला जाता हूँ, तो मैं अरमान का चेकअप करवा लाऊंगा। तो राज चले गए अरमान को लेकर, और जिस डॉक्टर के पास वो गए, राज फर्स्ट टाइम उस डॉक्टर के पास गए थे। मैं जानती हूँ शायद कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी, एज अ पेरेंट्स हमने शायद जल्दबाजी की या उस डॉक्टर पर हमने आंख मीच कर भरोसा कर लिया। और आप इस चीज को समझते होंगे फ्रेंड्स कि जब भी हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर पर आंख मीच कर भरोसा कर लेते हैं कि ये डॉक्टर है तो मतलब अच्छे से अच्छा इलाज ही करेगा, बुरा इलाज नहीं करेगा। और मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि वाकई मुझे इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हुआ क्या कि जब वो डॉक्टर के पास गए तो एक्चुअली जो अरमान का जो दांत था ना, तो दूध के दांत जैसे बच्चे के टूटते हैं आप जानते होंगे, तो दूध का दांत उसका टूटा नहीं था, उसी के साथ ही एक नया दांत और आ रहा था, उग रहा था दांत, तो इस वजह से उसको खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर ने हमें ये बताया। तो 2 दांत इकट्ठे आ रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि शायद जानते होंगे आप इस चीज को। तो राज ने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने ये सब कुछ बताया, मतलब तो उन्होंने इलाज करा, तो उन्होंने वो दांत निकाल दिया। और सुन करने का जो एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है यहाँ पर, तो अरमान को वो लगाया, मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाया, मेरे बेटे का नाम अरमान है। तो उस वक्त क्या हुआ कि अरमान घर आया तो अरमान ने बोला कि नहीं मम्मी मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। अचानक से 1 घंटे बाद ही, ये रात को 7 से 8 बजे के बीच की बात है, घर आने के बाद ही 8 बजे के आसपास, तो अरमान को बहुत ज्यादा पेन होने लगी। मैं आपको पिक दिखा देती हूँ क्योंकि मेरा बेटा इस वक्त कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहता था, उसका मूड बहुत ज्यादा अपसेट था। तो वो बोला मम्मी नहीं मुझे कैमरा के सामने नहीं आना है, तो लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मी आप पिक ले लो, पिक दिखा दो, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ ये सब चीजें, तो मैं आपको पिक में दिखा देती हूँ कि उसके लिप्स के आसपास इस तरह से कुछ अजीब सी स्वेलिंग हो रही है, अजीब सी, क्या हुआ है, डॉक्टर से इंजेक्शन गलत लगा है या कौन सी उसने दवा दी है ऐसी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जानते हम। मैं नेक्स्ट डे ही अगले दिन ही उसको डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ क्योंकि रात को उस वक्त डॉक्टर मिले नहीं थे और क्लिनिक बंद हो चुके थे, शहर में भी सभी डॉक्टर रात के 9 बजे, आप जानते ही हैं कि 9 बजे डॉक्टर 7 बजे ही चले जाते हैं क्लिनिक बंद कर। तो मैं कल ही दवाई दिलवाकर लेकर आए हैं हम शहर में किसी अच्छे डॉक्टर के पास, हमने उसको दिखाया है, तो उन्होंने एक अच्छी दवाई लिखी है काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब जिससे उसे जल्दी आराम आने शुरू हो जाए। तो अभी 3 दिन डॉक्टर ने बोला है कि आप देखो 3 दिन में इसे आराम आना शुरू हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर दोबारा चेकअप के लिए हमें जाना होगा। और कल ब्लड सैंपल्स वगैरह भी लिए हैं, रिपोर्ट वगैरह मतलब कल शाम तक आ जाएगी, तो हम कल दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। तो जब मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ हुआ, तो जब मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे मतलब शहर वाले डॉक्टर के पास जाने से पहले हम दोबारा उसी डॉक्टर के पास गए थे, रात को हम गए थे इमीडिएट, लेकिन रात को डॉक्टर नहीं मिले, रात को डॉक्टर क्लिनिक बंद करके जा चुके थे और हमें घर का एड्रेस उनके नहीं मालूम था। उसके बाद जब हम कल सुबह गए हैं मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता डॉक्टर का, मैं आपको एक ही जवाब बता रही हूँ, डॉक्टर की लापरवाही लगा लीजिए, डॉक्टर का ये जवाब मिला है कि नहीं मुझे नहीं पता कि इसे क्या हुआ है।
उस वक्त मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा मतलब मूड ऑफ हुआ हमारा कि डॉक्टर भी ये कह रहा है कि डॉक्टर को पता ही नहीं है कि उसने कौन सी दवाई दी है, क्या हुआ है और किस वजह से उसे स्वेलिंग हो रही है अरमान को, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा मूड ऑफ है। आई एम सॉरी गाइज कि पता नहीं नेक्स्ट वीडियो आप, मैं कोशिश करूंगी कल बनाने की, बट आपको पता है कि एक माँ के लिए सबसे पहले उसके बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे ही अरमान को आराम आ जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। तो जब मेरे हस्बैंड उसके पास गए तो डॉक्टर ने जब ये जवाब दिया कि मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है इसके लिप्स में, तो बहुत गुस्सा आया राज को भी और मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो राज ने स्ट्रिक्टली जब उस डॉक्टर से पूछा कि आपका लाइसेंस कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। आप समझ नहीं सकते, मतलब आप शायद सोच भी नहीं सकते कि मुझे कैसा लगा, राज को कैसा फील हो रहा था, एज अ पेरेंट्स हमें कितना बुरा लग रहा था ये सब देख करके, हमसे इतनी बड़ी लापरवाही या इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। और आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चे के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पेरेंट्स को लगता है कि बस जल्दी से हम बच्चे का इलाज करवा दें, और मतलब बच्चे को पेन में ही नहीं देख पा रहे थे हम। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आज की इस वीडियो में आपसे कि एज अ पेरेंट्स या मतलब अब समझ सकते हैं इस चीज को कि इतनी जल्दबाजी या इतनी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें भी अंदाजा नहीं था कि उस डॉक्टर के पास लाइसेंस नहीं होगा। और मैं यहां पर सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अगर किसी डॉक्टर पर डाउट होता है ना, तो प्लीज आप उसका मतलब पूरी इंक्वायरी कीजिए कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। वो लाइसेंस मतलब विदाउट लाइसेंस वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, और कितने टाइम से चला रहे हैं ये भी हमें नहीं मालूम था, क्योंकि काफी टाइम से हम मतलब कभी हम उसकी शॉप पे गए ही नहीं या कभी क्लिनिक पर उनके भी जाना नहीं हुआ हमारा। तो और अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमें लग रहा है राज को भी, मतलब राज ने भी उन्हें यही बोला है कि हम आपका ये क्लिनिक बंद करवाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ हो, भगवान ना करे कभी किसी और बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। बहुत गुस्सा आया था ये देखकर, बहुत गुस्सा आ रहा है सोच करके। हम मतलब एक डॉक्टर पर भरोसा करते हैं आंख बीच कर और आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और आगे से अगर डॉक्टर का ये रिस्पॉन्स मिलता है कि उसे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत है, और बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स की जरूरत है मेरे बच्चे को, और आप गाइस मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरे इतने प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मुझे समझते हैं, जानते हैं कि मैं कुछ भी अपने चैनल पे फेक नहीं दिखाती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं दिखाती हूँ, सब कुछ आपके सामने है। जो हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे साथ दो दिन पहले ये हुआ है तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। पिक में आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो मेरे लिप्स है वो कैसे स्वेलिंग होगी उस लिप्स में, और कितना उसे खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप इस पिक को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मैं कोई वीडियो कल ना अपलोड कर पाऊँ तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। हाथ जोड़कर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़।